एवरीवन, एनटीए ने जो है एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग का जो सिलेक्शन होने हैं तो वो एनटीए करवाएगा। ये जो पोस्टें हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट यानी एलडीसी की बात कर रहा हूँ, सीनियर असिस्टेंट यानी आपका यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क, असिस्टेंट यानी जो असिस्टेंट असिस्टेंट के बाद एसओ रहता है। तो ये जो पोस्टें हैं ये सीनियर असिस्टेंट का अभी नहीं करवा रहे हैं, उसके डेट जो है बाद में दी जाएगी। ये जो पोस्टें हैं तो उसकी डेट इन्होंने दे दी है 26 से 27 अप्रैल, यानी 2 दिन एग्ज़ाम होगा, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल। एग्जैक्ट इन्हें अभी इन्हें टाइम भी देना है और सेंटर भी देना है, और ये अभी वो रिलीज़ करेंगे, अभी रिलीज़ करा नहीं है, लेकिन 26 अप्रैल और 27 अप्रैल में है। आप प्लीज़, क्योंकि आप रिविज़न शुरू कर दिएगा, टाइम कम है, तो सिलेबस भी इन्होंने दिया हुआ है नीचे कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। तो ये पोस्टें हैं, फिलहाल 23 पोस्टें हैं, इस पर ये इन्होंने ये अभी डेट दे दी है 26 से 27 अप्रैल। कुछ ही जो पोस्टें हैं उनकी अभी इन्होंने डेट दी नहीं है। सिटी इंटीमेशन एंड एडमिट कार्ड इन्फॉर्मिंग द डेट ऑफ एग्जामिनेशन टाइम एग्जाम सेंटर इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा फॉर द एग्जाम विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स, तो वो इशू कर दिया जाएगा, अभी इशू हुआ नहीं है। और जो टेस्ट रहेगा वो आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वेश्चन पेपर रहेगा, विल भी आपके 2 लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश में और आपका हिंदी में रहेगा। फॉर द जनरल क्या क्या पूछेंगे आपसे, ये जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, इनमें से आपका यानी इंग्लिश का टेस्ट होगा या हिंदी लैंग्वेज, आपकी चॉइस रहेगी। विल बी एज पर द चॉइस ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द डे फॉर एग्जामिनेशन वी फॉर स्टार्टिंग फॉर द CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कैंडिडेट्स विल बी गिवन द ऑप्शन टू चूज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। उस दिन आप जब CBT टेस्ट के टाइम पर ही आप मीडियम चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश का। फॉर एनी क्वारीज, आपको कोई क्वारीज है तो ये इनके हेल्पिंग नंबर दिए हुए हैं। एग्जामिनेशन ऑफ रिमेनिंग पोर्ट्स विल बी हेल्ड लेटर एंड इन्फॉर्मेशन फॉर द सेम विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स, यानी जो है बाकी जो पोस्टों का जो उन्होंने अभी डेट नहीं दी है वो इन्फॉर्म कर देगा NTA। तो जो JNU की जो सारी जो पोस्ट हैं नॉन टीचिंग की, उसका जो टेस्ट कंडक्ट जो करवा रहा है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू होगा। इसमें JNU यूनिवर्सिटी के ऑफिसरों का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तो ये आपका ये जो सिलेबस था आपका, रीजनिंग है, रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी 10th लेवल की आप हिंदी और लैंग्वेज और इंग्लिश का पूछा जाता है, तो उसमें आपको चॉइस रहेगी या हिंदी या इंग्लिश, वो आपके ऊपर है। तो आप रिविज़न शुरू कर दीजिएगा, लेकिन बहुत जल्दी इन्होंने निकाल दिया, इतना उम्मीद नहीं थी। ओके, बेस्ट ऑफ लक डियर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।